K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के साई सरकार पर वार। कहा, कराची के शहरियों को पानी फराहम करने का मंसूबा 4 साल बाद भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए 13 मरतबा मंसूबे का रूट तब्दील किया गया, जिससे ताखीर के साथ साथ मंसूबे की लागत में भी इजाफा हुआ। ये हुकूमत सिंध ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की जरूरत क्या होगी और वो पानी कहां से आएगा। अगर पिछला मंसूबा डिजाइन और एक्नेक्स से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं, तो आज क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर इनको इस शहर की फिक्र है जो कि इस सूबे की, अगर मैं नासिर शाह का ले लूं, अगर 3 करोड़ की आबादी हो जाए और उसके ऊपर आप इजाफा लगाएं, तो आप सोचें कि ये आबादी दुगनी हो जाएगी अगले 10 साल में। इसके पानी के निज़ाम के ऊपर क्या तवज्जो दे रही है, ज़रा नासिर हुसैन शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बताएं। फैसला तो किया 2018 में, लेकिन आज सन 2020 तक उस पर कोई एक ज़र्रा बराबर काम नहीं हुआ। आपको पता है, अपने मन पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए 13 दफ़ा रास्ता तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भी कीमत पे असर पड़ा और प्रोजेक्ट के डिले होने की बात हुई।